शकील कहाँ चला गया? अरे भाई तुम यहाँ छुपे बैठे हो और मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा। अरे शहंशाह तुम कब आए यार? थैंक गॉड तो आ गए यार, मेरा चाय पीने का इतना मूड था कि कुछ ना पूछ। चलो इसी बहाने दोनों इकट्ठे पिए। वैसे आ कहाँ से रहा है तू? आना कहाँ से यार, एक दफ्तर में इंटरव्यू दिया आज की तारीख में। तो कोई उम्मीद, कोई नौकरी मिलने का खतरा? मुश्किल है, एक तो मिलती नहीं, मिलती है तो रास नहीं आती। लोगों के दोखलेपन और मुनाफकाना रवैयों की वजह से फिर छूट जाती है। कहीं चोरी, कहीं आरामखोरी, क्या करे बंदा यार, कुछ समझ नहीं आता। तुम खुदाई फौजदार हो या तुमने इस मुल्क को सुधारने का ठेका लिया हो? और भाई मेरे, तुम्हें जहाँ भी काम मिले ना, तुम सर डालकर अपना काम करो। कोई रिश्वत लेता है या देता है या काम नहीं करता, तुम्हें इससे क्या? यार तुम तो बचपन से मेरी इसी आदत के वाकिफ हो, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जाने ब्रादर, तुम खुद गौर करो, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक तेरा चल रहा है तो मेरा भी चलता रहेगा यार। मेरा तो ना कोई आगे है ना पीछे, ना थाए ना पाए, कितना खर्चा है मेरा, बस यही दो वक्त की रोटी, दो कमरों का फ्लैट, नाश्ता मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा। कभी होता है कभी नहीं, इतना तो अफोर्ड कर लेता है यार तू। वैसे यार तू अच्छा वाला शायर है, मुशायरों की इनविटेशंस भी मिलती हैं तुझे। यार ये मुशायरे वगैरह पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, और ख़ास तौर पे बाद में वो जो लिफाफा मिलता है ना, उसे पकड़ने को दिल नहीं मानता। अच्छा यार ना आपकी सुना, मुलाकात हुई? उसकी आजकल एक ही रट है, शादी कब करोगे, बाबा से कब मिलोगे, घर कब चलोगे। यार समझ से बाहर है उसकी बातें। तो मिल ले उसके बाप से, इसमें हर्ज ही क्या? क्या बात करते हो यार, उसका बाप कोई आम आदमी नहीं है, अक्ल शौर रखने वाला आदमी है। अगर उसने मुझे पूछ लिया कि मैं काम क्या करता हूँ, रहता कहाँ हूँ, नौकरी, इनकम, क्या जवाब दूंगा यार, वो पागल नहीं है, रिटायर्ड कर्नल है। चल यार ना आपका दिल रखने के लिए ही सही, तू कर्नल साहब से मिल ले, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, देखता हूँ। ये औरत कौन है? ये मेरी बेबे है, काफी अरसे से पागल है। क्या मैं इनकी पेंटिंग, मेरा मतलब है तस्वीर बना सकता हूँ? मैं इसके पैसे भी दूंगा। फोटो बनाने के पैसे? हाँ हाँ फोटो बनाने के पैसे, तुम इन्हें मेरे साथ लेकर स्टूडियो चलो, बस 3-4 घंटे लगेंगे। ये लो पैसे। Thank you.
अरे तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। खबर ही नहीं होने दी। एक्चुअली तुम अपने काम में इतने बिजी थे तो मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। बस यार ये कुछ पेंटिंग ही ऐसी थी। ओ बदल कर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। और नहीं आपकी सुना भाई। यार उसका परनाला वहीं का वहीं है। वरना ये भी कहती ऊपर से लिखवा कर लाइए। वैसे जबरदस्त लड़की है ना यार। सर वो फ्रेम लेकर आ गया है। ठीक है उसे बिठाओ, मैं बस आ रहा हूँ। जी सर। शहनशाह यार तुम बैठो, मैं वैसे 2 मिनट में फारिग करके आता हूँ। और जाना मत, खाना इकट्ठे खाएंगे। कर्नल साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो निकाह शुरू करें। मैंने शहनशाह से कह दिया था कि जब तक मुझे फर्निश्ड घर, गाड़ी और ज़रई अराजी का जायज़ ज़रिया मालूम नहीं हो जाता ये निकाह नहीं हो सकता। मुझे नवाब रियासत अली खान कहते हैं। नवाब रियासत अली खान, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। जिस तरह आप नायाब के वालिद हैं वैसे ही रिश्ता मेरा शहनशाह के साथ है। आप इसके कोई रिश्तेदार हैं? अपने बनाए हुए रिश्ते बने बनाए रिश्तों से ज्यादा मजबूत और पायदार होते हैं। ये अनोखे रिश्ते जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो क्या आप ही वो अजनबी मेहरबान है जिसने ये सब कुछ? हाँ बरखुदर, तो मैं ही हूं। कर्नल साहब आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको शहनशाह जैसा दामाद मिला और आपकी बेटी को इस जैसे शौहर। कर्नल साहब अपनी जरूरत की चीज अपने पास रखकर बाकी जरूरतमंदों को दे देना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जरूरत की आखिरी चीज भी किसी जरूरतमंद को दे देना बहुत बड़ी बात है। सर मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते। दरअसल मैं तुम्हें शकील के स्टूडियो में मिला था एक भिखारी के रूप में, अपनी पोर्ट्रेट बनवा रहा था और जब तुमने मुझे 1500 रुपए में खरीद लिया था। आप हैं वो भिखारी? मगर वो भिखारी तो मुख्तलिफ रूप धार कर अपनी पेंटिंग्स बनवाना मेरी हॉबी है। कभी भिखारी, कभी किसान, कभी बादशाह, कभी जनरल। जब मैं शकील से अपनी पेंटिंग बनवा रहा था तो तुमने मेरी बीमारी का सुनकर
अपनी जेब की सारी रकम मुझे दे दी थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बातों बातों में शकील से तरीके से तुम्हारे मुतालिक सारी डिटेल मालूम कर ली थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मैंने तो अपनी जायदाद में से एक थोड़ा सा हिस्सा तुम्हें दिया, लेकिन तुमने तो अपनी जरूरत की आखिरी पैनी तक मुझे दे दी थी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। लेकिन सर, आपने अपनी बीमारी का जिक्र किया था, आपको बीमारी क्या है? बरखुरदार इस उम्र में तन्हाई से बड़ी बीमारी और क्या हो सकती है। मेरा एक ही हकलौता बेटा है, एक जर्मन खातून से उसने शादी कर ली है। मेरे इसरार करने के बावजूद वो इस मुल्क में नहीं आता, मेरे पास नहीं रहता। मैं अपने महल नुमा मकान में तन्हा अकेला रहता हूं, अपने पोते पोतियों की तस्वीरें देखता रहता हूं, बल्कि उनकी तस्वीरें एक दीवार से उतार कर दूसरी दीवार पर लगा देता हूं, और ये समझता हूं कि मेरे बच्चे इस जगह से उस जगह चले गए हैं। बेटा शहंशाह, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? नहीं सर, प्लीज आप ऐसा मत कहिए, आप हुक्म कीजिए। बेटा शहंशाह, मेरी ख्वाहिश है कि शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरे बेटे बनकर मेरे घर में रहो, और नायाब उस घर में मेरी बहू बनकर रहे। कर्नल साहब, आपको कोई एतराज तो नहीं है? बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है।